विभू की नारायण से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का शक्ति उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ। साहब सिंह वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और अच्छे नेताओं में से, वो स्वाभाविक किसान नेता थे जो किसानों के हित के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। कार्यकर्ताओं के लिए तो वो वरदान, कार्यकर्ताओं के साथ उनका भाई जैसा हमेशा व्यवहार रहा और उन्होंने कोई भी परिचित अपरिचित रूप से मुलाकात किया होगा तो निश्चित रूप से उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी साथ दिया और किसानों के हक की लड़ाई के लिए तो उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किए। श्रम मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए और खास तौर से लेबर लॉ में परिवर्तन करके गरीबों को लाभ देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जो हमेशा सराहनीय है। साहब सिंह वर्मा जैसे नेता दुर्लभ ही मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनके न रहने से अपूर्ण इच्छा हुई, वो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जो वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल बिताया है वो आज भी दिल्ली के जन जन में साहब सिंह वर्मा की स्मृति के रूप में, उनकी याददाश्त के रूप में छाई हुई। कई बार मेरी मुलाकात भाई साहब से होती रही, वो बुलंदशहर कई बार साल में एक बार जाते थे, बड़ा कार्यक्रम होता था उसमें अक्सर मैं उनके साथ रहा करता था। किसानों का कार्यक्रम होता था, किसानों से सहज वार्ता करना और उनके साथ मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करना उनके स्वभाव का एक अंग था। डॉक्टर संदीप शुक्ला साहब सिंह वर्मा की भरपूर क्षति पर शोक अर्पित करता हूँ। बहुत बड़े मजदूरी के मजदूरों के नेता, जन आधार के नेता रहे हैं और ये अपूर्णीय क्षति में अपनी संवेदना करता हूँ। गजेंद्र सिंह चौहान आर्य समाज का महामंत्री हूँ। साहिब सिंह वर्मा जी को मैंने बड़े पास से देखा है, उनके काम देखे हैं और मुख्यमंत्री काल में उन्होंने जो दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों के लिए काम किया था वो एक सराहनीय काम दिल्ली के लिए रहा। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो अनऑथराइज कॉलोनी, मैं भी वहां रहता हूँ, नरकीय जीवन होता और आज उनके साहिब सिंह वर्मा के इस कर्तव्य की वजह से अनऑथराइज कॉलोनी के लोग अपना स्वर्गीय जीवन जी रहे हैं। उन्होंने असंगठित मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया काम किए और कभी किसी कार्यकर्ता को जरूरत पड़ी वो बहुत आसानी से सुलभ सबको हो, तो मैं उनकी पुण्य स्मृति पे श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसा महान नेता बार बार देश के लिए पैदा हो। मेरा नाम मुसाफिर सिंह है और वर्मा जी के बारे में मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो हम बदरपुर से बिलोंग करता हूँ, बदरपुर में रहता हूँ और हम कई बार हम प्रोग्राम लिया बदरपुर में, पुल नहर की पुल होती थी एक पुल जिसमें कि लोग कई लोग गिर जाते थे, वर्मा जी के यहाँ गए हम 11 बजे रात को सोमनाथ मार्ग पर गए और बेचारे 11 बजे दरवाज़ा खुला रहता था और हम लोग गए और सुने उस चीज़ को करवाए और वर्मा जी का बहुत बड़े हम सही भाई ने कहे कि कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं, वर्मा जी के हम लोग बड़े आभारी रहे अनऑथराइज कॉलोनी वाले कि वो काम कराए। और जिस समय अपोलो हॉस्पिटल नहीं बना था उस समय वर्मा जी ने वहाँ पर को दिल्ली का सीट के लिए कहे और उस एरिया उजंक थी वर्मा जी का ही देन है कि खेल गांव जसोला और उसके बाद में बनवाए बेचारे मुख्यमंत्री काल में, वर्मा जी से बड़े अच्छे जुड़े रहे और कहना नहीं चाहिए पार्टी से हटके नहीं कहना चाहिए, बाकी मैं भी एक मन की वेदना मेरी है कि वर्मा जी के लड़के को अगर टिकट मिला होता जगदीश मुखी जी के जगह पर तो सीट निकल गई होती, उसमें महाबल मिश्रा नहीं आता जो कि मैं पूर्वांचल से भी जुड़ा हूँ और यहाँ से भी जुड़ा हूँ, ये कहना नहीं चाहिए। मेरा फिर से उनकी पूर्ण तिथि पर मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा मुसाफिर सिंह नाम है। नाम गोविंद अर्दरिया है, अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ का दिल्ली में सचिव का दायित्व है और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का संयोजक कर्मचारी प्रकोष्ठ का हूँ। मैं 1995 में दिल्ली में अध्यापक के पद पर आया था, उससे पहले माननीय साहिब सिंह वर्मा जी शिक्षा मंत्री थे और उनके कार्यकाल के दौरान शिक्षकों की भर्ती में किसी तरह की कोई धांधली होने के कारण से उन्होंने सीधा
मेरिट के आधार पर चयन किया, जिसके कारण से मैं उनका सदा आभारी हूं कि मुझे रोजी रोटी साहिब सिंह वर्मा के अथक प्रयासों से, चूँकि वो नियुक्तियां जो होनी थी उनको नष्ट करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था विधानसभा में, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन्होंने आवेदन किया है उनको नियुक्ति देने के लिए मेरिट आधार पर नगर निगम में नियुक्ति दी जाए, और उनके अथक प्रयासों से दिया है। उनके भाई आजाद सिंह जी हमारे अध्यापक यूनियन के बड़े अच्छे लीडर रहे हैं, उनके साथ भी मैंने कंधे से कंधा मिला करके काम किया। साहिब सिंह वर्मा जिस समय शिक्षा मंत्री थे, उनके गाँव में मुंडका उनके गांव पे गया हूँ, उनका जो घर पैतृक घर था उनके घर पे जैसे ही एक ग्रामीण परिवेश होता है उसी तरह का उनका कार्य होता था, और उन्होंने एक जो ग्रामीण स्वाभिमान, साहिब सिंह वर्मा जी ने जो ग्रामीण स्वाभिमान नामक संस्था बनाई उससे हमारे क्षेत्र के किसानों का और दिल्ली के ग्रामीणों का स्वाभिमान ऊंचा हुआ है। मैं साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर उनको उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ढेर सारी डॉक्टर साहिब सिंह जी वर्मा केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं थे बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जन सामान्य में उनकी पहचान थी। राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते वह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे, वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन की विचारधारा के प्रति भी वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। पूरे जीवन भर उन्होंने अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ कभी समझौता नहीं किया है। आज की राजनीति में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा की आवश्यकता थी, लेकिन संभवतः यह ईश्वर को मंजूर नहीं था, वह हमारे बीच नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा का जो भी जीवन था अथवा जीवन के जितने भी पहलू थे वह सभी बहुत ही प्रेरक रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को निश्चित रूप से उससे प्रेरणा मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वह मेरे बारे में अच्छी तरह जानते थे, चूंकि हमारा बहुत ही नज़दीकी संबंध उनके साथ था। एक बार उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर कोई चारपाई नहीं है। तो एक बार साहिब सिंह जी वर्मा स्वयं ही चारपाई लेकर हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारे घर पर चारपाई रखी और कहा कि जो है समय समय पर आप इसी चारपाई पर बैठते रहें तो ग्रामीण परिवेश का एहसास यहाँ भी होता रहेगा। बहुत सारी उनकी स्मृतियाँ हैं, लेकिन जिनमें से एक अहम स्मृति जो सचमुच सदैव याद रहती है वह इसी घटना से संबंधित है। ठीक है जी, साहिब सिंह वर्मा जी को मैं जानता हूं और मैं ये समझता हूं कि साहिब सिंह वर्मा जैसे नेता विरले ही पैदा होते हैं। जमीन से उठकर राजनीति करना, कभी भी सत्ता का घमंड अहंकार नहीं होना, बड़े से बड़े पद पर जब रहे और जब वो काउंसलर थे तब से मैं उनको जानता हूँ, जब मुख्यमंत्री हुए तब भी उनके व्यवहार को देखा और जब वो भारत सरकार के मंत्री हुए हमारे कैबिनेट में हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे नेता को खोकर हमारी पार्टी ने जहाँ एक रत्न खोया है, भारत ने भी, ऐसे एक बड़ी संभावना थी उनके अंदर, ये बहुत हम बड़ी संभावना उनके अंदर देखते थे। उनके एक्सीडेंट से हमें बहुत दुख हुआ और हमने एक अच्छा नेता देश ने खो दिया। मुझे याद है कि जब आखिरी पदाधिकारी की बैठक हुई तो मैं उस बैठक में विजय गोयल जी के पास बैठा था। साहिब सिंह जी ने मुझे ज़िद करके अपने पास बुलाया, बैठाया और उस बैठक में हम बहुत सी चर्चा करते रहे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी वो मुझे कह रहे थे कि चलने के लिए, लेकिन उसके दो दिन के बाद वो मुझे गुजरात ले जाने वाले थे, क्योंकि गुजरात में उन्होंने, उनका जो विज़न था वो बहुत बड़ा था। जब उन्होंने गुजरात के भूकंप पीड़ितों की चिंता की तो उन्होंने गांव के गांव बसाए और अपनी ताकत पर बसाए, अपने सहयोगियों के बल पर बसाए। जहां मंदिर टूटा था वहां मंदिर बनाए और जहां मस्जिद गिर गई थी साहिब सिंह वर्मा जी ने वहां मस्जिद बनाई, और वो मस्जिद को इतने प्यार से बनाते थे, जाकर वो देखते थे कि क्या बना, टाइल ठीक लगा कि नहीं, मीनार कैसा बना, और वो
मुझे ये दुख है कि वो उस मस्जिद का जब उसकी शुरुआत के लिए वो मुझे ले जाना चाहते थे और मुझे उन्होंने समय भी उसके लिए लिया था, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रह सके। मैं जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन मैं जयपुर में था, मेरे साथ राणा जी और सुनील जी साथ थे, और जब मुझे खबर आई तो मुझे मेरे ज़िंदगी का वो बहुत कष्ट का दिन था, और मैं बहुत हिम्मत रखता हूँ लेकिन मुझे उस दिन मेरी हिम्मत टूट गई और मुझे ये लगा कि मैंने अपने एक अच्छा साथी, अपना अच्छा दोस्त, अपना अच्छा रहनुमा हमने खो दिया है। तो साहब सिंह जी जैसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं, ऐसे नेता को भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, साहब सिंह जी को हम भूल नहीं सकते। जब मैं दिल्ली में, वो भी चुनाव हार गए और मैं भी चुनाव हार गया, हम दोनों मंत्री थे, तो राष्ट्रपति भवन में वहाँ पर जब हम बैठने गए, जो लास्ट कैबिनेट का फेयरवेल होता है, तो मेरा नाम क्योंकि हुसैन है तो मेरा कैबिनेट में 7वां नंबर था, और उस दिन बहुत से मंत्री नहीं आए थे, दोनों को एक साइड दूसरे साइड बैठना था, तो प्रधानमंत्री जी के बगल में मैं बैठा था। साहब सिंह जी उधर से घूमते आए, उन्होंने मजाक में कहा कि तुमने आज भी यहाँ पर तुमने कुर्सी ले ली। मैंने कहा सर आज तो आखिरी दिन है, और वो मेरे पास बैठे। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहेंगे जब मकान खाली करेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि अब देखता हूँ। उन्होंने खुद ऑफर किया कि नहीं आप हमारे मकान में रहिए, और उन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ चलिए, और ख़ुद से आगे कि नहीं नहीं सामान लो जल्दी चलो अब बताओ, और ख़ुद से 3 बार 4 बार फ़ोन किया। इतनी चिंता किसी नेता ने नहीं की जितनी चिंता उन्होंने की। कई बार मैं देखता था कि जब गोवा के अंदर कार्य समिति हो रही थी, तो साहब सिंह जी वर्मा का और उस वक्त गुजरात के में फसाद हो रहे थे, और उस वक्त साहब सिंह जी गुजरात के फसाद से बहुत दुखी थे, और फिर वो बहुत मीटिंग में परेशान हुए, और उन्होंने कहा, तब वो सांसद थे, मंत्री नहीं बने थे, और मैं मंत्री था उस वक्त, सिविल एविएशन मिनिस्टर था, तब उन्होंने मेरे से मीटिंग में कहा कि मेरा मन ख़राब हो रहा है, उठ के चलो, और फिर वो मुझे अपने रूम में ले गए, और फिर उन्होंने कहा कि बैठो गपशप करते हैं। फिर उन्होंने कहा तुमको ताश आता है? हमने कहा नहीं मुझे नहीं आता। तो वो हम लोग बहुत देर बात करते रहे, और वो बहुत दुखी थे, कभी कहीं हिंदू मुस्लिम तनाव हो जाए, कहीं कोई फसाद हो जाए, तो उससे साहब सिंह का मन बहुत आहत होता था। और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर हमने उनके साथ काम किया, और वो जो एक बार उनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी जब वो जेट एयरवेज में जा रहे थे, और उस वक्त जिस तरह से उनके खिलाफ एक मीडिया कंपेन चला था, और कई अखबारों में एक पत्रकार ने जेट वर्सेस चार्ट लिख दिया था, उससे भी बहुत दुखी थे वो। तब मैं जेट एयरवेज के जो मालिक हैं नरेश गोयल, मैं उनको अपने साथ साहब सिंह जी के घर ले गया, और मैंने उनसे, उसने जाकर वहाँ उनसे सॉरी कहा, और मैंने साहब सिंह जी को कहा कि इनका मकसद ये कभी नहीं था, आप इनको क्षमा करें। और वो बड़े दिल के आदमी थे, तुरंत उन्होंने उनको क्षमा किया और कहा कि नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, तुमको जो लोग ऐसे लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो उस वक्त भी मुझे याद है कि वो अपनी बात को बेबाक तरीके से कहते थे। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था और वो उस वक्त वो मंत्री नहीं बने थे, तो एक बार एक गांव था जिसको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जो एयरपोर्ट के पास गांव है, उसको उजाड़ा जाना था, और साहब सिंह जी बहुत नाराज़ थे। एक दिन वो मेरे ऑफिस में आए और उन लोगों को लेकर आए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे और भी लोग थे। साहब सिंह जी बोलते बोलते लगा जैसे वो सांसद नहीं हों, वो नेता नहीं हों, वो गाँव के हो गए, और एकदम जैसे गांव का आदमी लड़ने लगता है, वो मीटिंग में लड़ने लगे कि तुम कैसे हटाओगे हमारी ज़मीन, मैं तुम्हें बताऊंगा वो चेयरमैन को। फिर मैंने साहब सिंह जी को कहा कि साहब सिंह जी जो आप कहेंगे वही होगा, आप इतने नाराज़ मत होइए। तो वो गांव के लोगों का दर्द उनके ज़बान पे आ जाता था, वो एकदम गाँव के परिवेश के नेता थे, और मैंने फिर उनके कहने पर उस इलाके में गाँव के लोगों की चिंता की, और आज जो वो वहाँ एयरपोर्ट के पास गाँव के लोग अभी भी बसे हुए हैं, वो सिर्फ साहब सिंह जी की वजह से बसे हुए। स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी को मैं बहुत जब पढ़ता था, जब से जानता था, जब वो यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे, और उनका सदैव जो है रुझान समाज सेवा की तरफ रहा। वो ग्रामीण आंचल से थे,
और ग्रामीण आंचल के विकास के ग्रामीणों के विकास के लिए उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी काम किया और मुख्यमंत्री रहे वो, मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने ग्रामीण आंचल का काफ़ी अच्छा काम किया। तो आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, तो उन्होंने उनके सब जितने साथी हैं वो उनका सपना पूरा करें, ये सबका कर्तव्य है। बोल दें श्री साहिब सिंह वर्मा कॉलेज में हमारे कुलीग रहे, हम वहाँ पर अध्यापक थे और साहिब सिंह वर्मा जी लाइब्रेरियन थे, इस नाते से लंबे समय तक हमारा संपर्क रहा। बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, जुझारू थे, काम करने की ललक थी उनमें और ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष रूप से वो महत्व देते थे। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसके उपरांत उन्होंने देहातों में बहुत अच्छा काम किया और देहातों को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास सदाचार पूर्वक काम करने का था और वो नई नई योजनाएं बनाने में भी विश्वास रखते थे। कई इस तरह की योजनाएं उन्होंने दिल्ली भर में बनाई अपने मुख्यमंत्रित्व काल में और उनको लागू किया। धन्यवाद। आपसे उनके संबंध रहे हैं, भी जानकारी में है। मेरा नाम सुरेश श्रीवास्तव है। देखिए